अंबाला लोकसभा आरक्षित सीट से कांग्रेस ने मुलाना के विधायक वरुण चौधरी को मैदान में उतारा है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वरुण चौधरी की अंबाला आरक्षित लोकसभा से कांग्रेस की टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज अंबाला छावनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चित्रा सरवारक के नेतृत्व में ढोल पर नाच कर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। देखिए, पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सब ने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं, मुलाना से बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, समस्त साथियों की तरफ से, चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप में, उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला ज़िले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और 9 की 9 आएंगी और 10वीं सीट हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। भाजपा के खिलाफ जो ग्राउंड पे बहुत तगड़ा अंडरकरंट है, आज लोगों को तगड़े कैंडिडेट्स के माध्यम से, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स के माध्यम से एक आवाज और एक ऑप्शन मिल गया है और इसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा कम से कम हरियाणा में तो हम दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर हारेगी। देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा, तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले भरे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो सामाजिक तौर पर हमारे देश के अंदर अब एक समानता नहीं रही है। 36 बरादरी के हरियाणा को तोड़ा जा रहा था। आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो मात्र कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की 36 बरादरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर हम लोगों में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर हमें पूरा विश्वास है कि लोग जमकर वोट करेंगे। देखिए, हम समझते हैं कि भाजपा की अंतरकलह जो किसी ना किसी तरह से अब तक दबाई हुई थी, छुपी हुई थी, ऊपर से लेके नीचे तक एक आने वाली हार को देखते हुए अब भाजपा उस दरार को, उस तकरार को छुपा नहीं पा रही और ये अंतरकलह हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पुराने कैबिनेट नए कैबिनेट के बीच में हो, पुराने मंत्रियों के और नए मंत्रियों के बीच में हो, और चाहे वो आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और भाजपा के पुराने साथियों के बीच में और आए उनके नए नवेले उम्मीदवारों के बीच में। और हम समझते हैं ये अंतरकलह भाजपा को बहुत भारी पड़ेगी। अगर आज किसी अंतरकलह की पूरे प्रदेश में अगर नुमाइश हो रही है तो वो भाजपा की अंतरकलह है।